आत्म भावनाओं का प्रसंग स्वामी जी महाराज समाप्त करते हैं। दो शब्द इस पर कहने से पहले साधक सुनो, चार से सात नवंबर तक हरिद्वार में जो साधना सत्संग होने जा रहा है, दिल्ली से एवं आसपास से जो नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लगी है, मेहरबानी करके देख लीजिएगा। कम नाम स्वीकार हो सके हैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जिनके नाम स्वीकार नहीं हो सके उनसे हाथ जोड़ के क्षमा की भीख मांगता हूँ। कुछ नाम कटेंगे भी तो भी और नाम उनकी जगह पर रखे नहीं जा सकेंगे, नाम पहले ही बहुत ज्यादा हो चुके हुए हैं। दिव्य सपनों आज करवा चौथ है, इस मांगलिक पर्व पर केवल देवियों को ही नहीं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। आज का त्यौहार साधकों परस्पर स्नेह का त्यौहार है। पत्नियां जो व्रत रखे हुए हैं, मानो ऐसा अपने पतियों से कह रही हूं, आप सुस्वस्थ रहें, शारीरिक बौद्धिक स्वास्थ्य आपको लाभ हो, आप सुखी हों, आप समृद्ध हों, इसके लिए यदि मुझे भूखे भी रहना पड़े तो मैं तैयार हूं, मुझे प्यासे भी रहना पड़े तो मैं तैयार हूं। और आज वे देवियां ऐसा करके दिखाती हैं। आज के दिन पत्नियां कुछ खाती नहीं, कुछ पीती भी नहीं है, ये सिर्फ अपने पतियों को ये बताने के लिए कि हम किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं, संकेत है ये। अति शुभकामनाएं देवियों, बहुत बड़ी बात है जो आप आज करती हैं, जिसके लिए आप व्रत रख रही हैं, जिस भाव से परमेश्वर इस भाव को साकार बनाए, वास्तविकता में ऐसा हो। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज भी कभी कभी ये व्रत रखा करते थे, तो उनसे किसी ने पूछा, स्वामी जी हम तो अपने पतियों के लिए व्रत रखते हैं, आप किन के लिए व्रत रखते हो? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, देवी आप अपने प्यारे के लिए व्रत रखते हो तो मैं अपने प्यारों के लिए व्रत रखता हूं, आपका तो प्यारा एक है और मेरे प्यारे अनेक हैं। सो बहुत महत्व है साधकों आज के व्रत का। बहुत टीवी के आगे नहीं बैठना, पिक्चर देखने नहीं चले जाना, खान पान का बहुत ध्यान नहीं करना। आज बहुत जाप कीजिए और परमेश्वर पर ध्यान लगाइए, खान पान पर नहीं, पति पर नहीं, संसार पर नहीं, परमेश्वर पर ध्यान लगाइएगा। आज जाप भी दिन भर खूब कीजिएगा, दिन भर आपके अंदर सात्विक विचारों की प्रमुखता रहे। हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल चर्चा चल रही थी रिव्यू सचिन, जहां आपके सन्मार्ग पर चलने के लिए बल मिले ऐसा स्थान इसे समझिएगा,
रोज आप यहाँ आते हैं या कभी कभी यहाँ आप आते हैं, नित्य बलवान होके जाते हैं। कभी कभी आने वाले बलहीन जब होते हैं तो वे आते हैं तो वे यहाँ से बलवान होके जाते हैं। कैसा बल है ये? वह बल जिससे हम कुमार्ग से हट के तो सन्मार्ग पर चल सकें। बहुत बल चाहिए इसके लिए। कुमार्ग पर चलना तो बहुत आसान है, लेकिन सन्मार्ग पर चलना एवं सन्मार्ग पर रहना, उसके लिए प्रचुर बल चाहिए। ये बल मेरे गुरुजनों के स्थान से मिलता है। देवियों, मेरी ओर नहीं देखना, मेरी ओर नहीं झांकना। आप मेरी औकात को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। हाँ, ये स्थान जो मेरे गुरुजनों का है, जो मेरे सद्गुरुओं का है, आपको स्पष्ट करूं देवियों सज्जनों, सद्गुरु कभी मरा नहीं करते। उनकी अविनाशी चेतना उनकी तपस्थली पर सदैव व्याप्त रहती है। वही हम सबको देखने को मिल रहा है। जो कोई भी स्थान पर आता है वह बलवान होके जाता है, बल प्राप्त करके जाता है। कल भी आपसे एक अर्ज की थी, इस स्थान पर आके रोग भी ठीक होते होंगे, लेकिन लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। समस्याएं भी सुलझती होंगी, लेकिन लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। इससे इस स्थान की महिमा कम होती है।